जरा बाहर आइए, घर में घुसकर बातें ना बनाइए, घर में घुस के बातें ना बनाइए, जरा बाहर आइए, जरा बाहर आइए। अरे चुप रहे, उस वक्त भागकर जान बचाई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर कुचलाई। भाई साहब जरा बाहर भी आइएगा, जरा बाहर भी आइएगा, या घर में बैठे बातें ही बनाइएगा, या घर में बैठे बातें ही बनाइएगा। ओ शैतान जरा ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। स्वामी जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए, बेहतर तो यही था कि तुम चुप ही रहो, वरना जो कुछ कहना है जल्दी से कहो। प्राणनाथ आप पहले शांत हो जाइए और बैठिए। दो बात मेरी भी सुन लीजिए। प्राणनाथ सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का आपने दूध पिया है उसी की गोद में उसने परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी का प्रजा पर गलत प्रभाव पड़ेगा। प्राणनाथ आप महज ही गलत फहमी का शिकार हुए हैं और वैसे उस बेचारे की सूरत से बेजार हुए हैं। सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आप आपस के भेदभाव मिटा दीजिए। हाँ, मैं समझ गया प्यारी। रोमा के सेतियों हृदय ने तेरा सीना चकना चूर कर रखा है, इसलिए ये हर बातें बना रही हो, ताकि यह खटकता हुआ काटा किसी तरह तुम्हारा कलेजा से निकल जाए और तुझे सुख की नींद सोने को मिले। अगर मैं तेरी फिजूल बातें सुनने को तैयार नहीं, लेकिन तारा मैं तेरी फिजूल बातें सुनने को हर किस तैयार नहीं। काले इन्हें थोड़ा हिंगे ना करते, हिंगे ना आज तो आके इस समय न रण करने जाओ। दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र भड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा। आँखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को। यह मुंह को आया जाता है। तारा देख। दुश्मन दरबार में। आ गया है और मैं छुप जाऊं। यह कायरों का काम है। स्वामी मैं आपको सिर्फ इसलिए रोकती हूँ कि यह लड़ाई आपके लिए खतरनाक है। चाहे वो गुनहगार है या बेगुनाह है। मगर इसमें कोई शक नहीं। कोई जबरदस्त ताकत उसकी मददगार है। जो इतनी मार खाकर भी दोबारा मुकाबले पर आया है। बस तारा। अधिक बकवास ना कर। मेरे आगे से हट जा। और मेरे आगे से हट जा। मैं
खड़े हो रहे। मैं उससे डरता हूँ ना उसके किसी उसका किसी इमारती से प्राणनाथ परमेश्वर के वास्ते इस जिद को छोड़ दो तारा मैं तुम्हारे कहने से अपने आप को पट्टा नहीं लगा सकता जाओ तारा महलों में आराम दे तुम महलों में आराम करो और मेरा इंतजार करो मैं इस कमबख्त को अभी मजा चखा कर आता हूँ जाओ तारा निकलो।